नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो जीके मतलब पहले तो ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके में तो सब कुछ आता है आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स। ओके, तो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डैश डिग्री मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन है, इट इज लोकेटेड एट 0 डिग्री मेरिडियन। कैसे? जो प्राइम मेरिडियन होता है आपका, इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। ये ग्रीनविच इन इंग्लैंड में पास होता है, विच इज 0 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो अभी इतना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पता नहीं। देखिए, फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अ मैप, एक मैप में अगर आपको प्लेसेस को लोकेट करना है, तो जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, वो ड्रॉ की जाती हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, मतलब कि वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। तो प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ, दैट डिवाइड्स अर्थ, जो कि अर्थ को डिवाइड करता है, दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स। हो ना? यहाँ पे देखिए, जो अपोजिट ऑफ मेरिडियन होता है वो आइडियल होता है, विच इज एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लेकिन बस अभी आपको इतना याद रखना है कि प्राइम मेरिडियन जो होता है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है आपका, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ओके, दिस इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये 4 मिनट्स के इक्वल होता है। एंड 1 डिग्री ऑफ लेटिट्यूड जो होता है, 1 डिग्री ऑफ लेटिट्यूड जो होता है, इट इज 111 किलोमीटर ऑन अर्थ सरफेस। ओके, ये होता है। तो वेन इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे अभी मैं क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो अर्थ गोला जानते हैं ना, वेस्टर्न, और जैसे ये एक हेमिस, ये एक पूरा स्फेयर है, तो इसके ये वेस्ट पार्ट कहाँ होगा? वेस्ट यहाँ होगा, ईस्ट यहाँ होगा, तो ये यहाँ और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली और पॉलिनेशिया। चिली जो है ये सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे लोकेट करता है। चिली जो है, इट इज लोकेटेड ऑन 56 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। ये 56 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड में लोकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स जो है, ये जो आपके सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स हैं, दे आर 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स। केप कैमोरिन जो कन्याकुमारी में है, इसको हम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन लैटिट्यूड, हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, तो लॉन्गिट्यूड जो होता है, इट मीट्स एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो यहाँ नॉर्थ में जो है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में त्रिपुरा लोकेट करता है। नो, मणिपुर यस, मिजोरम नो, झारखंड नो। तो मणिपुर इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज नदर्न ट्रॉपिक, ये मोस्ट नदर्नी सर्कल होता है लैटिट्यूड का ऑन अर्थ, एट विच द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब सन यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है। तो दिस इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम नदर्न ट्रॉपिक भी बोलते हैं, एंड इट इज द मोस्ट नॉर्दर्ली सर्कल ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ, एट विच द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज 10:30 इन इंडिया, व्हाट विल बी द टाइम इन पाकिस्तान? 10 बज रहे होंगे। अगर यहाँ 10:30 है तो वहां 10 बज रहे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड इज डिवाइडेड अप इंटू अबाउट 24 टाइम जोन्स। वर्ल्ड जो है ये 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है विद इन मोस्ट टाइम जोन्स इज द इंटीग्रल नंबर ऑफ आवर्स होता है, ऑफसेट फ्रॉम अ टाइम स्केल, जिसको कोऑर्डिनेटेड एज यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यूटीसी जो होता है, इट इज अ सक्सेसर टू ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, पीकेटी, इट इज द टाइम जोन ऑब्जर्व थ्रू पाकिस्तान विद द टाइम ऑफसेट ऑफ यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम, प्लस 05। इट इज मेजर्ड इन गिलगिट, इसको गिलगिट में मेजर किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, इट इज द टाइम जोन ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया विद द टाइम ऑफसेट ऑफ, कितना टाइम ऑफसेट होता है, विद द टाइम ऑफसेट ऑफ यूटीसी प्लस 05:30।
एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट. इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लॉन्गिट्यूड इन द सिटी ऑफ मिर्जापुर. मिर्जापुर जानते हैं ना कहाँ है, यूपी में है. मिर्जापुर में कौन सी है हमारी, एक सिद्धि पीठ है, विंध्याचल विंध्यवासिनी माता, मिर्जापुर में ही है. तो अगर यहाँ पे 10:30 बज रहे होंगे तो वहां पाकिस्तान में 10 बज रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज, यानी कि जो आइडियल है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इट इज इक्वेटर, नो. इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नो. इट इज 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, नो. इट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इट इज अराउंड द एंटी मेरिडियन. ये प्राइम मेरिडियन का अपोजिट होता है, मतलब ये एंटी मेरिडियन है, ठीक है. यानी कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे इसको, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है. इंटरनेशनल डेट लाइन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1884 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. इट पासिस थ्रू द मिड पैसिफिक ओशन. इट पासिस थ्रू मिड पैसिफिक ओशन के थ्रू पास होता है. एंड रफली फॉलोज अ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ. और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फॉलो करता है नॉर्थ साउथ, ठीक है. ये ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग दिस. तो इंटरनेशनल डेट लाइन फंक्शंस एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन. ये इट फंक्शन एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन. ये डिमार्केशन की तरह काम करता है, सेपरेटिंग टू कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेट्स. दो कैलेंडर डेट्स को ये सेपरेट करता है. द डेट लाइन जनरली रन्स नॉर्थ टू साउथ. डेट लाइन जो है ये नॉर्थ टू साउथ चलता है, फ्रॉम पोल टू पोल. एंड इट zigzags अराउंड पॉलिटिकल बॉर्डर्स. इट zigzags अराउंड पॉलिटिकल बॉर्डर्स सच एज ईस्टर्न रशिया एंड अलास्का द एलाइजियन आइलैंड्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू वॉट नंबर ऑफ टाइम जोन्स. मैंने बताया था 24 टाइम जोन्स में ये विभाजित हो रखी है. टाइम जोन्स कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी कि जो आपका यूटीसी है, इट इज द प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाय विच द वर्ल्ड जो होता है क्लॉक और टाइम को रेगुलेट करता है. इट इज अबाउट 1 सेकेंड ऑफ मीन सोलर टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इज नॉट एडजस्टेड फॉर डे लाइट सेविंग टाइम. ये इफेक्टिवली सक्सेसर होता है. इट इज इफेक्टिवली अ सक्सेसर ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. देर आर कंट्रीज हैविंग द सेपरेट टाइम जोन्स. तो बेस्ड ऑन द यूटीसी टाइम जोन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. मतलब एंगल जो होता है, टोटल एंगल ऑफ अर्थ है वो कितना होता है, 360 डिग्री. तो 360 डिग्री बाय 15 करेंगे तो 24. तो फॉर 1 डिग्री चेंज इन द वैल्यू 1 मिनट विल डिफर फॉर टाइम. फॉर 360 डिग्री द डिफरेंस ऑफ टाइम विल बी 24 आवर्स. बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. मतलब इफ 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 4 मिनट्स देन 1 आवर और 60 मिनट्स फॉर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस. ओके, the time at longitude can be applicable up to 7.5 degree on both sides from the longitude. तो इसलिए option 4 ही सही है. Next question है आपका, what is the difference between the IST and GST? Greenwich Standard Time और Indian Standard Time में कितना difference है? 5 hour and 30 minutes का है, ठीक है? ये 5 hour and 30 minutes का है. IST is 5 hours and 30 minutes ahead. मतलब जो IST है, ये 5 hours 30 minutes ahead है of GST, ठीक है. तो जो ग्रीनविच मीन टाइम, इट इज एन एब्सोल्यूट टाइम रेफरेंस एंड डज नॉट चेंज विद द सीजंस. GMT भी एक टाइम जोन ही है, व्हिच इज यूज्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. 25 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ में जो मिड डे सन होता है, कभी भी सर के ऊपर हमें नहीं शाइन करता, ठीक है. अर्थ जो होती है, इट रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सन. अर्थ इन टर्न वो एनर्जी को बैक रेडिएट करती है, रिसीव फ्रॉम द सन. एज अ रिजल्ट अर्थ नाइदर वार्म्स अप नॉर डज इट गेट कूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जैसे आपने ये, जैसे ये आपका है, ये है, ठीक है. यहाँ पे ये अर्थ है, तो यहाँ पे ये जो मिड लाइन है, ये तो इक्वेटर हो गई, ठीक है. इसके नीचे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा. दिस विल बी योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and this will be your tropic of cancer. This will be tropic of cancer, ठीक है. तो यहाँ पे ये कितने है, 23 1/2 degree north
और ये है 23 1/2 डिग्री साउथ, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 25 डिग्री साउथ टू 25 डिग्री जो जो सॉरी जो 30 डिग्री साउथ में आपका ये मिड डे सन ओवरहेड नहीं शाइन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लेटिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया अभी था, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, तो विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स सॉरी कौन सा क्वेश्चन है ये, हॉर्स लेटिट्यूड्स लाई विद इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या जो हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम नियर द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 0 डिग्री लैटिट्यूड पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, 7। द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये तो आपको पता है। द इक्वेटर पासेस थ्रू, जो इक्वेटर होता है, जो आपका इक्वेटर होता है, ओके, इक्वेटर इट पासेस थ्रू 13 कंट्रीज, ये 13 कंट्रीज के थ्रू पास होता है, 3 कॉन्टिनेंट्स होते हैं इसमें एंड 3 वाटर बॉडीज होती है, तो ठीक है, ये पता होगा। तो हाइएस्ट पॉइंट जो इक्वेटर का होता है इट इज लोकेटेड ऑन द वोल्केन कैम्बीज इन इक्वेटर विच इज द ओनली प्लेस ऑन द इक्वेटर वेयर स्नो कैन बी फाउंड, ओके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन 22nd December, क्योंकि शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर ड्यूरिंग द विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस यूजुअली कब आता है, 22nd December 21st December, मतलब ये कब आता है, जब विंटर सोलिस्टिस अकर करता है, सोलेस्टिस, ओके। दिस इज ऑल्सो द डे ऑफ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब इसमें लॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज द, ये किस में होता है, मेनली ये होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, इट अकर्स इन द सदर्न, दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहा है, हाँ, शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न In the northern hemisphere, it took place during the winter solstice. And winter solstice usually comes on 22nd December or 21st December. Okay? Mainly, जो अगर इसका उल्टा देखें कि अगर आपको longest day and shortest night चाहिए तो ये होता है southern hemisphere में. Southern hemisphere में summer solstice होता है, which is on 21st June. ठीक है? The number of longitudes, the number of longitudes are 360. नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने, 360, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस रन नॉर्थ साउथ एंड मार्क द पोजीशन ईस्ट वेस्ट एट अ पॉइंट, देयरफॉर लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो ईच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आल्सो इज वन हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल। लॉन्गिट्यूड लाइन जो 0 डिग्री की होती है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है दे गेट नैरोअर एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाती हैं तो जो लाइंस होती हैं, जो ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं दे गेट नैरोअर, ये नैरोअर हो जाती हैं, पतली होती जाती हैं एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एज दे आर वाइडेस्ट अपार्ट इन द इक्वेटर्स, एंड ये पोल तक पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाती हैं एज ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट द पोल्स, पे ये सारी लाइंस कन्वर्ज हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। तो ये इतने क्वेश्चंस थे। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने, 180 क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच।